राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के राज्यसभा में चुने जाने पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी का इजहार किया गया। मुरादाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज के चौराहे पर इकट्ठा हुए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई का वितरण किया गया और जयंत चौधरी को मुबारकबाद पेश की गई। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सैयद राशिद अली और शाहनवाज मलिक के नेतृत्व में जीआईसी के चौराहे पर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई का वितरण किया गया और राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि आज का दिन सभी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि किसानों के मसीहा हमारे नेता चौधरी जयंत आज राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और अब उनके द्वारा राज्यसभा में किसानों की मजदूरों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। मिठाई वितरण कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया, यहाँ हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था चौराहे पर, गवर्नमेंट कॉलेज के चौराहे पर। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज जो है सम्मानित किया गया है और उन्हें राज्यसभा में बैठने का मौका मिला है और हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद है उनको और हमारी सारी जनता से। मैं इस टाइम खुशी की लहर हूँ, हम जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो जयंत चौधरी जी का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी से जुड़ें और हमारे दल को मजबूत करें और हमारे जयंत चौधरी जी के और हमारी पार्टी के हाथों को मजबूत करें और किसानों की, बेरोजगारों की, गरीबों की और महिलाओं की पार्टी को मजबूत करें। ये हमारी किसानों की पार्टी है और गरीबों की मजदूरों पर काम करती है। ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हैं? आज किसानों की आवाज़ हमारा राज्यसभा के अंदर गूंजने का एक माहौल पैदा हो गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह जी राज्यसभा से निर्विरोध सांसद राज्यसभा चुने गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम शोषित वर्गों और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि अब दोबारा से एक किसानों की आवाज़ सांसद के अंदर गूंजेगी और इसी बात के साथ MSP के ऊपर भी सांसद दोबारा से अपनी आवाज़ उठाएंगे सांसद के अंदर। सांसद बनने पर मुरादाबाद की आवाम क्या कहना चाहते हो? मैं मुरादाबाद के आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय लोकदल का सहयोग करें, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में और किसानों के लिए चौधरी जयंत सिंह जी आवाज़ उठाते हैं, ना कि धर्म और जात के आधार पर कार्य करते हैं बल्कि उनका विषय और सुख। आज हमारे लिए बड़े खुशी का विषय है, आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी गठबंधन द्वारा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इसलिए हम समस्त महानगर के जितनी भी टीम है, महानगर के अंदर आने वाले सभी प्रदेश के और जिले के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस जश्न को, इस खुशी को एक साथ मनाया है। सब महिला विंग के भी और अल्पसंख्यक के भी और युवा के भी सारे प्रकोष्ठों के लोग एक साथ मौजूद है यहाँ पर और हमने इस खुशी को इजहार किया है और आम जनमानस में हमने इस मौके पर सैयद राशिद अली, शाहनवाज मलिक, जाबर खान, अनवार मलिक, यावर अली, फिरोज खान, दिल्लर खान, कैसर हसन, सिराज, रौनक खान, परवेज खान, रईस अलवी सहित भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।